केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर देखने मिला चौतरफा विरोध, बंद का दिखा असर। राजनीतिक संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए काले कानून के खिलाफ ज्ञापन, जीजीपी ने किया चक्का जाम। बच्चों को सिखाई जा रही नाटक विधा, निशुल्क नाट्य कार्यशाला में बच्चों का दिखा उत्साह। और केंद्रीय कृषि बिल में है समझदारी, बीजेपी के अनुसांगिक संगठन किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंप कर किया समर्थन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में नीति शुक्ला, और शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ आहूत बंद का असर कुसमेली कृषि उपज मंडी में भी दिखाई दिया। यहां किसानों के समर्थन में श्रमिक, हमाल और छोटे व्यापारियों ने भी सांकेतिक हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। आज हमारा जो भारत बंद, किसानों का जो भारत बंद है, उसमें मजदूरों का भी पूरा समर्थन है। और हम लोग बिगर राजनीतिक पार्टियों के और बिगर उसके, हम लोग स्वेच्छा से समर्थन दे रहे हैं। और जो नई कृषि बिल नीतियां जो बनी हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। शासन इसको पुनः विचार करके किसानों के हितार्थ हेतु बिल लाए और सबकी सहमति से वो बिल को पास करें। तो आप ये हड़ताल में आज किन कारणों से रख रहे हैं? किसानों के हितार्थ हेतु हमने आज का जो भारत बंद है उसमें समर्थन दे रहे हैं। कब तक रहेगा? आज एक दिन का सांकेतिक बंद है हम लोगों का। जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय कृषि बिल का पुरजोर विरोध दर्ज कराया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर किसानों के हितों की रक्षा की मांग की है। ऐसे किसानों पे इतना अत्याचार आज तक किसी सरकार ने नहीं किया जितना मोदी कर रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जो हमारे काश्तकार भाई दिल्ली पर तीन नए कानूनों को लेकर के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का समर्थन करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन जिलाध्यक्ष को सौंपा है, जिसमें मांग की गई कि ये तीनों काले कानून जो हैं ये वापस किए जाने चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि नए जो कानून बने हैं उसमें जो समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। जब बाहर मंडियां बंद हो जाएंगी तो समर्थन मूल्य कौन देगा? प्राइवेट मंडियों में समर्थन मूल्य मिलने से रहा, इस तरह से हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको करोड़ों का नुकसान होगा, अरबों का नुकसान होगा। आज जैसा आप देख रहे हैं मक्का की क्या स्थिति है, तो समर्थन मूल्य 1800 कुछ रुपए है, परंतु आज मंडी में आप जाएं तो 800, 900, 1200 अधिकतम मूल्य मिल रहा है। इस तरह से हमारे काश्तकार भाइयों को शोषण हो रहा है, उनका निश्चित रूप से उनकी स्थितियां दयनीय होती जा रही हैं। इसी प्रकार सरकार ने जो है एक कानून लाया है जिसमें समर्थन जिसमें स्टॉक की कोई सीमा नहीं रही। स्टॉक की यदि सीमा नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से जो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ये अनाजों का संग्रहण कर लेंगे और इससे जमाखोरी बढ़ेगी और आम उपभोक्ताओं को उससे भारी परेशानी होगी। इसी प्रकार आप देखें कि उन्होंने एक कानून लाया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज देखिए, आज स्थिति ये है, यदि काश्तकार एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फंस जाएगा तो बड़े पूंजीपतियों से निपटना उसके लिए संभव नहीं होगा, तो वो एक मजदूर बनकर रह जाएगा। इस तरह ये तीनों कानून जो हैं काले कानून हैं और इनको रद्द करने की हम मांग करते हैं। केंद्र सरकार के कृषि बिल को काला कानून बताते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चक्काजाम आंदोलन किया। खबर पाते ही तहसीलदार महेश अग्रवाल ने स्थल पर पहुंचकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं से विनम्र अपील कर समझाया और चक्काजाम की स्थिति नहीं निर्मित होने दी। इसके पश्चात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महासचिव
सतीश नागवंशी के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों ने प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर कृषि प्रधान देश में किसान हितों की सुरक्षा की मांग की है। ग्यारह विकास खंड में आदिवासियों से मुलाकात करने नहीं आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं, अनुरोध करते हैं, उन्हें लाइए, ज्ञापन भी देंगे और कुछ चर्चा भी हो जाएगी हमारी। संविधान का परिपालन तो होना चाहिए ना कम से कम, बाकी अनुसूचित क्षेत्र है, चार पाँच लोग को मिलवा देंगे। पूरे लोग हम लोग आए हो जाती है, सब लोग सहमत है भाई साहब। गणतंत्र पार्टी किसान विरोधी बिल का जो अनेक संगठनों द्वारा किसान के समर्थन में आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी संपूर्ण देश में सहित मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा जिले में हम लोगों ने आज अपनी बात रखी और किसानों के समर्थन में हम बंद का हमने समर्थन किए। मजदूर और किसानों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी और मजबूती के साथ उभरेगी और हमारे युवा नेतृत्व, किसान नेतृत्व, मजदूर नेतृत्व को हम दलित दबे कुचले ओबीसी समाज को हम प्रतिनिधित्व देंगे और हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। ब्लॉक कांग्रेस निगम क्षेत्र ग्रामीण इकाई ने भी केंद्र के कृषि बिल के विरोध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के झंडा तले ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर महोदय को भारत बंद के समर्थन में। जो हमारे किसान भाई, अन्नदाता भाई, माताएं, बहनें सभी रोड पे आ चुके हैं। ये जो अंधा कानून, काला कानून जो भारत सरकार ने पारित किया है, इससे अत्याचार किसानों पे बढ़ेगा। ऐसे ही किसान दुखी पीड़ित है। अभी 800-1200 रुपए कुंटल मक्का बिक रहा है, सभी किसान ऐसे ही परेशान है। ये काला कानून बना के अब भारत सरकार बोलती है, उनके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भारत का किसान कहीं पे भी अपना माल ले जाके बेच सकता है, लेकिन प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि यदि बाहर का किसान एमपी में आया तो उसे अंदर कर देंगे। तो आखिर स्पष्ट स्थिति तो करे दोनों सरकारें, ये काला कानून मंडियां समाप्त हो जाएगी, हाहाकार मचेगा, किसान जाएगा कहाँ। बड़ी ही दुर्गति हो रही है। हमारे जो किसान भाई हैं, माताएं बहनें हैं, खुले आसमान के ठंडी के दिन में, रात में हम लोग ठंडी में बाहर नहीं निकल सकता, आदमी स्वेटर पहन के, माताएं बहनें ऐसे साड़ी पहन के, ऐसे ही कपड़े सिंपल में किसान भाई सभी दिल्ली में आके डटे हुए हैं। तो उनके समर्थन में अभी मार्केट में कुछ किसान भाइयों ने, हम लोगों ने बंद नहीं करवाया है, स्वैच्छिक था, तो कुछ लोगों ने बंद करके रखा हुआ अपनी भारत के किसानों को, क्योंकि अन्नदाता यदि संपन्न है तो व्यापार जगत भी पनपेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है, काला कानून से लेके हाहाकार मचा हुआ है। उनके समर्थन में हम लोगों ने ज्ञापन देने आए थे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय कमलनाथ। जन संघर्ष मोर्चा ने भी देश के किसानों का पक्ष लेते हुए केंद्रीय कृषि बिल का विरोध ज्ञापन के माध्यम से दर्ज कराया है। अभी कोई अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है।
केंद्र सरकार ने जो COVID-19 के बहाने 3 कानून जो किसानों के विरुद्ध में लाई है, ये काले कानून की संज्ञा इसको दी जा रही है, इससे ये पूरी तरीके से किसानी बर्बाद हो जाएगी और इससे कारपोरेटों को फायदा होगा। तो केंद्र सरकार कारपोरेटों के सहारे पे किसानों को और देश के आम उपभोक्ताओं को कुचलने का काम कर रही है। तो पूरे देश के अंदर इस मामले को लेकर उबाल है और किसानों के समर्थन में जनसंघर्ष मोर्चा के सहयोगी संगठन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इस आशय का ज्ञापन सौंप रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से ये 3 कानून को रद्द किया जाए ताकि किसानी को बचाया जा सके, देश को बचाया जा सके, संविधान को बचाया जा सके। बीजेपी को छोड़कर लगभग अन्य सभी संगठनों ने केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। SC ST OBC संयुक्त संघर्ष मोर्चे के बैनर तले एकजुट संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर केंद्रीय कृषि बिल पर विरोध दर्ज कराया है। भारत बंद के दौरान आज हमारे छिंदवाड़ा में पूरे शहर पे प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा है। सभी तरफ हमारी निगाह है, कहीं किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जनजीवन सामान्य है। अभी सत्कार तिराहे पे 12:30 बजे गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं संयुक्त मोर्चा SC ST OBC के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। किसान के समर्थन में उन्होंने दिया है ज्ञापन कि कृषि बिल वापस लिया जाए, ऐसी उनकी मांग है। खबरों के साथ और विराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 7390000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में COVID-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निशुल्क की जाएगी। निशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता: डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में COVID-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF
नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम आईवीएफ के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं आईवीएफ लैब, आईवीएफ ओटी, एक्सी मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच कुसुम आईवीएफ में। उत्तर प्रदेश में आईवीएफ के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर के सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम आईवीएफ, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। कांग्रेस के अनुसांगिक संगठनों ने अलग अलग ज्ञापन सौंप कर प्रशासन के हाथ में कृषि बिल के विरोध में प्राप्त ज्ञापनों की संख्या तो बढ़ाई ही है, यह भी जता दिया है कि अब हर उम्र हर तबके में जागरूकता बढ़ी है। सेवा दल द्वारा जिला संगठक सुरेश कपाले और रेशमा खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। आज कांग्रेस के द्वारा पूरे देश भर में और छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस के द्वारा किसानों के सम्मान में उनके मैदान में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि शासन की गाइडलाइन है और 144 की धारा जिला दंडाधिकारी द्वारा लगाई गई है, उन सारे नियम कानून का पालन करते हुए आज कांग्रेस सेवा दल पूरे छिंदवाड़ा जिले में, जो पूरे भारत देश में किसानों को लड़ाई चल रही है, समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आज भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है, उसका समर्थन आज कांग्रेस पूरे देश भर में कर रही है, मध्य प्रदेश में कर रही है और साथ साथ में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी का निर्देश भी है कि हम किसानों के साथ खड़े हों। और जिस तरीके से आज पूरे भारत देश में किसान अपनी मांगों को लेकर रोड पर खड़े हैं, सुबह शाम धूप और ठंड सहन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदी जाए, उस बात को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा रहा है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि उनके हित में तत्काल जो तीनों विधेयक पास किए गए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए और किसानों की जिस तरह से मंडियां और जिस तरीके से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी उन सारी खरीदियों को यथावत रखा जाए और जो विधेयक बनाए गए हैं वो किसानों के खिलाफ में है, उनको तत्काल वापस लिया जाए। इस बात को लेकर माननीय तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन सौंपा है और हम उम्मीद है कि उनके माध्यम से हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय तक जाएगा, हमारी मांगे पूरी होगी और किसानों के समर्थन में यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा आने वाले समय तक के। धन्यवाद। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, वहीं आज किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है, ठंड में उनकी सुबह ऊपर ठंडी ठंडे पानी डाला जा रहा है, उनकी किसी भी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि किसानी हमारे देश का ऐसा है जो लोगों को अनाज की पैदावार करके देता है। हमारा देश क्योंकि कृषि प्रधान देश है और उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है, इसी को लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। ज्ञापन से हमारी बस यही मांगे कि जो किसानों ने जो मांग की है उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोगों के द्वारा जो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा किसान हित में, उसके लिए स्वयं सरकार जिम्मेदार होगी, ना कि हम। ऐसा नहीं था कि आज सौंपे गए सारे ज्ञापन कृषि बिल के विरोध में ही थे। कृषि बिल किसानों की सेहत के लिए फायदेमंद है, लाभकारी है। कृषि बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, यह कहना है बीजेपी किसान मोर्चा का। संगठन अध्यक्ष संजय सक्सेना के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप कर कृषि बिल का सपोर्ट किया गया। जो बेहतर हो उस पर यदि संशोधन होते हैं तो संशोधन किए जाए, समर्थन मूल्य पर सरकार गारंटी दे रही है। हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का, मैं जिलाध्यक्ष संजय सक्सेना, आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य चौधरी रामेश सिंह जी, आप मंडल अध्यक्ष सचिन बालस्कर जी, विजय बरवाड़ी विजय कुमार जी और हमारे जिले के सदस्य मोहित सिंह जी, हम लोग केंद्र सरकार ने जो तीन नए कानून पास किए हैं उनके समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून किसी दबाव में आकर जल्दबाजी में निरस्त न किया जाए। कृषि कानून के दूरगामी लाभ किसानों को निश्चित रूप से मिलेंगे ऐसा हमारा मानना है और सरकार जो आश्वासन दे रही है, केंद्र की मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, कृषि मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, तीनों कृषि कानून लंबे समय में और तत्काल भी किसानों को फायदा देना शुरू करेंगे। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर खरीदी कभी बंद नहीं होगी बल्कि उसका दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि मंडी
समितियां जो है उनको भी सशक्त किया जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा, किसानों को बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होंगे। इन पर हमारा पूर्ण विश्वास है और हम चाहते हैं कि कृषि कानून लागू हो और उनमें यदि संशोधन होता है किसानों के हित में तो उसे स्वीकार किया जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। हम केंद्र सरकार के मत से समर्थन देने, उसके सहयोग समर्थन करने और तीनों कृषि कानून को वापस न लें, ऐसा निवेदन करने राष्ट्रपति जी को एक आवेदन देने आए हैं और हमारा यही कहना है। धन्यवाद। केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में और बिल के समर्थन में ज्ञापनों के बाद आइए बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसमें मासूम बच्चों की अदाएं देखकर आपका टेंशन जाएगा टेंशन लेने। यह है उस कार्यशाला का नजारा जो नाट्य गंगा संस्था के सहयोग से बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभ है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बाबा, दरिया भी है मुझे जल चाहिए, ये ले जल। बड़ी परेशानी का छोटा हल, बाबा का जादुई जल आप भी लीजिए 2 रुपए में। बाबा का जादुई जल हिमालय की पर्वतों से निकला हुआ है। जय बाबा झंडू की। मोल रतन ने अपनी जान खो दी सुसाइड करके अपनी छत से, महेश भट्ट के भाई रमेश भट्ट। तो आपने संवाददाता से कांटेक्ट करके उनसे बात करवाते हैं आपकी। हेलो चाचा जी, बात कराइए। आइए हम आपको ले चलते हैं रमेश भट्ट के घर। देख सकते हैं आप यहाँ कितनी भीड़ है, ये इनका गेट है, यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। आइए हम आपको ले चलते हैं रमेश भट्ट की बहन के पास। आप जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं उनकी माता और बहनों का क्या कहना है। इतने महान 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 पुरुष जिन्होंने गोबली सुसाइड मतलब खुद सुसाइड करके जा चुके हैं, उनका क्या होगा। चलिए आपका स्वागत है घोटाला न्यूज में, जो एक बहुत पेचीदा खबर और एक इतनी अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल। तो हम देखते हैं एक मर्डर की खबर कि कैसे एक खूनी ने एक आम इंसान का सरेआम खून किया है, जो बहुत गलत बात है। उस खूनी का नाम है कालिया कालू। तो देखते हैं उसकी शक्ल, ये कितना मनहूस शक्ल वाला है। तो आइए इसका मर्डर का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जो वहां पे था चांदनी चौक पे। चलिए देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग का एक उपक्रम है, उसके यशस्वी जो निदेशक हैं आदरणीय आलोक चटर्जी जी, ये उनकी सोच का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बच्चों के लिए नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और छिंदवाड़ा में नाट्य गंगा का चयन किया गया इस कार्यशाला के लिए। और ये 25 दिवसीय कार्यशाला है और ये चल रही है, बच्चों को अभिनय और अलग अलग चीज़ों में हम अब बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। चैतन्य हमारे आए हैं बाहर से, वर्धा से आए हैं, ये बच्चों को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हैं। 20 दिसंबर को हम लोग इसका समापन करेंगे, जिसमें इनरव्हील क्लब हमारा सहयोगी है जो हमें उस पूरे कार्यक्रम के लिए हमारे साथ दे रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। और इसमें हम लोग एक नाटक का मंचन करेंगे और इसमें जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों को आमंत्रित करेंगे और इसका शो होगा जिसमें नए बच्चे जो हमारे आए हैं वो उसमें एक्ट करेंगे। मैं सीमा गुगनानी, इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट 304 से। ये नाट्य गंगा का जो कार्यशाला चल रही है इसमें इनरव्हील भी सहयोग कर रहा है और जो बच्चों की प्रतिभाएं हैं वो इस कठिन दौर में उभर के आएंगी, तो इसके लिए सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकार द्वारा नशा मुक्ति के लिए जारी प्रयास और राजस्व की चुनौती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन जरूरी है जागरूकता। मांग ही नहीं होगी तो आपूर्ति तो खत्म होगी ही, लिहाजा जागरूकता के प्रयासों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए।
खासकर बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इसके बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को या फिर टारगेट ग्रुप को, तो इस चीज का भी विशेष करके ध्यान देंगे कि कुछ हो सकता है उसमें बच्चे इस टाइप के हों जिनकी ये सिम्टम्स उनके साथ में मैच कर रहे हो। अभी तो फिलहाल आप हो सकते हैं कि वेबिनार के माध्यम से करें या फिर स्मॉल ग्रुप्स में जो पार्टिसिपेंट को बुला करके ट्रेन करें उनको, तो इन जो चीज़ों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में कोट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर श्री तरुण बामा जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपने नवोत्थान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नवोत्थान मध्य प्रदेश शासन में भोपाल कमिश्नर भोपाल रही कल्पना श्रीवास्तव मैडम, उनके साथ हमने इस प्रोग्राम को चलाया। हमारा मेन ध्येय था कक्षा 6 से लेके ग्रेजुएशन तक बच्चों में पहुंचना, क्योंकि छोटे बच्चों में भी किसी न किसी तरह की लत हमने पाई। और जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं जिनको हम बहुत ग्रैंड बोलते हैं, वहां ये सबसे मेजर समस्या। डीएम कोर्ट में आज जन सुनवाई का दिन था। प्राप्त 69 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए समाधानात्मक निर्णय लिए गए। कहाँ रहते हो? अम्बाबाली। चलो ठीक है, ठीक तीस कर देते कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देखेंगे भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर शहर के भैरव मंदिरों में पूजन और हवन अनुष्ठान संपन्न हुए। आज कालभैरव अष्टमी के पावन पर्व पर ओम शिव कालभैरव बजरंग मंदिर दुर्गा चौक छोटा तालाब छिंदवाड़ा में सुबह प्रातः 5 बजे से बाबा महाराज कालभैरव का प्रातः महाअभिषेक हुआ। उसके पश्चात हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ। हवन पूजन के पश्चात COVID-19 के निर्देशों का पालन करते हुए, शासन की गाइडलाइनों का, प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए हमारी समिति ने यह निर्णय लिया कि हम लोग हर साल बिठाल के जो विशाल भंडारा होता था, इस बार उन निर्देशों का पालन करते हुए
हम लोग ने इनको पैकेज की सुविधा अरेंज करवाए और उसको बहुत अधिक से अधिक संख्या में वितरित कर रहे हैं, जिससे प्रशासन के नियमों का पालन भी हो सके और सभी को मास्क सैनिटाइजर का भी उपयोग करने के लिए मंदिर समिति के द्वारा बिल्कुल अवेलेबल कराया जा रहा है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर देखने मिला चौतरफा विरोध, बंद का दिखा असर। राजनीतिक संगठनों द्वारा राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए काले कानून के खिलाफ ज्ञापन, जीजीपी ने किया चक्का जाम। बच्चों को सिखाई जा रही नाटक विधा, निशुल्क नाट्य कार्यशाला में बच्चों का दिखा उत्साह। और केंद्रीय कृषि बिल में है समझदारी, बीजेपी के अनुसांगिक संगठन किसान मोर्चा ने ज्ञापन सौंप कर किया समर्थन। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।